हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा और आप सबका आपके चैनल शिखा शेरावत में वेलकम है। तो दोस्तों, आज बनाने वाले हैं आंवला, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का अचार, जो खाने में बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आंवला जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आज आंवले का इंस्टेंट वाला हेल्दी और टेस्टी अचार बनाकर तैयार करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जो आंवले का आज हम अचार बनाने वाले हैं, उसके लिए मैंने आधा किलो आंवले लिए हैं और साथ ही साथ ये मैंने, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अदरक लिया है, बारीक बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया है और ये थोड़ा सा लहसुन लिया है और ये हरी मिर्ची ली है, तो इनको भी मैंने चॉप कर लिया। इसमें से आप कुछ भी स्किप करना चाहे, जैसे कई लोग लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो चाहे इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट हमारे घर में खा लेते हैं तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले आंवलों को हमें स्टीम करना होगा। आप चाहें तो बॉईल करके भी डाल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी स्टीम करके डालना, क्योंकि मुझे स्टीम करके डालना ज़्यादा पसंद है। तो आंवलों को स्टीम करने के लिए मैंने एक पतीले में गर्म पानी करने के लिए रख दिया है और साथ उसके ऊपर एक इस टाइप की छलनी आप सभी के पास होती है, तो उस छलनी को हम भिगोने के ऊपर, जो पतीला है उसके ऊपर रख देंगे और सारे आंवलों को एक एक करके उसमें अच्छे से लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आंवलों को इसको स्टीम करने के लिए रख दिया और साथ ही मैं एक लिड के साथ इन्हें कवर कर दूंगी ताकि जो हमारे आंवले हैं अच्छे से स्टीम हो जाएं। तो चलिए, जब तक हमारे आंवले स्टीम हो रहे हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच सौंफ, साथ ही साथ मैं इसमें 1 चम्मच ये मेथी दाना डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच मैं इसमें जो हमारे राई होते हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच ही मैं इसमें सरसों ऐड कर रही हूँ। देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद इनको मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप देख सकते हैं जो हमारे आंवले हैं उनका कलर चेंज हो गया है। ये देखिए, आप देखिए ध्यान से, अभी हल्के से येलो येलो से हो गए हैं, लेकिन अभी ये स्टीम नहीं हुए अच्छे से। इनको स्टीम करने से कम 10 से 15 मिनट आपको आसानी से लग जाएंगे। तो मैं इनको फिर से कवर कर देती हूँ और इन्हें अच्छे से स्टीम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है उसका अभी थोड़ा कलर चेंज हो गया है, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का से इसको हमें रोस्ट करना है। तो बस अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और मैं इसको थोड़ा ठंडा करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारे जो आंवले हैं वो अच्छे से स्टीम हो गए हैं और अब देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ एक पास से। तो अभी आप इनको ऐसे करेंगे तो ये देखिए अलग अलग ही ऐसे हो जाएंगे। तो अभी आपको करना क्या है कि सारे आंवले के अलग अलग पीसेस कर लेने हैं और इनका जो बीच का जो ये बीज है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये आंवले के जो पीसेस हैं इस टाइप से हम इनको एक एक अलग अलग हमने अच्छे से कर लिया है और साथ ही मैंने दूसरे गैस पर एक ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हम इसमें ऑयल को गर्म करके थोड़ा ठंडा करके ही डालेंगे। और देखिए, ये आप देख सकते हैं जो हमने जो अपने मसाले थे हमने रोस्ट किए थे उनको मैंने इस टाइप से एक दरदरा इनका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। और दोस्तों, ये आंवले का अचार जो हम बना रहे हैं इंस्टेंट अचार बनता है, बिल्कुल एकदम खाने के लिए तैयार हो जाता है। आप इसको पहले दिन से ही खाना स्टार्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही हेल्दी होता है आपकी आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, हर चीज़ के लिए आंवला बहुत हेल्दी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तेल को जो है मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है, इसको अभी मैं थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। देखिए, तेल जो है मेरा हल्का सा ठंडा हो गया है और अभी हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी मैं हल्दी डाल देती हूँ ताकि हल्दी का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, एक कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही हम डाल देंगे ये अचार का मसाला और अभी हम इसे अपने आंवले डाल देते हैं, अपने हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन जो काट कर रखा हुआ था ये भी हम ऐड कर देते हैं। अच्छे से इसको ऊपर नीचे मिक्स करते हैं और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं पिसा हुआ धनिया इसमें यूज़ कर रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच मैं धनिया ऐड कर रही हूँ थोड़ी, और 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल देते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल बहुत जल्दी बनकर आंवले का ये इंस्टेंट वाला अचार तैयार हो गया है और अभी आप इसको एक जार में भरकर रख लीजिए। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, ये आपका 1-2 महीने भी ख़राब नहीं होगा। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो आपका ये 2-3 महीने तक भी ख़राब नहीं होता, जब तक आप चाहें तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब करते हैं इसको सर्व।
आप इसे किसी भी कांच के जार में भरकर रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये आंवले, हरी मिर्च और अदरक का अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो खाने के लिए एकदम रेडी है। आप इसको आज ही खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचेगी और आप वो अच्छी सी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए, आप इस अचार को बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मिलती हूँ आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।